पास्टर थे उनकी उनका जो वचन था उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब उन्होंने प्रेयर किया तो अन्य अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करने लगे। Let your kingdom be established in every heart. Har dilon mein tera rajya sthapit ho. We humbly surrender all our faults. Vinamrata se hamare sare bandhon ko samarpit karte. As a teenager, since 2 years I was in depression. Today, when Stella sister was leading the worship, that time when she told me, like she was telling about people who are going through depression and all, they will be healed today. And I was away from temptation. जो भी परीक्षाएं आती है, away from depression, सारी निराशाओं से परे, away from loneliness, नकेलेपन से परे, away from sickness, बीमारी से परे, away from shame, शर्म से परे, away from your worries, आपकी हर चिंताओं से परे, he is going to give you complete healing today. वो आपको आज पूरी चंगाई देगा. Today I feel like really God has chosen me for his work. We are called to fight our good fight well. हाँ, हम अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाए गए हैं. Thank God Jesus made our fight simple by winning the battle on the cross. धन्यवाद यीशु का करिएगा कि क्रूस पर विजय पाकर उसने ये युद्ध हमारे लिए आसान कर दिया है. God has chosen you and called you for this race. और परमेश्वर ने आपको इस दौड़ के लिए चुना है. He believes in this few in this stadium and he has chosen every one of you. और स्टेडियम में बैठे हुए आप पर वो विश्वास करता है. He is also going to make you shine in your life. वो आपके जीवन में आपको जगमग बनाएगा. मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए. और आज मैं यहाँ पर जो विजन इंडिया की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, और इस मीटिंग को मैंने अटेंड किया है. और आज इस मीटिंग के अंदर पांचवें दिन के अंदर मैंने देखा है कि जीसस कॉल्स की तरफ से वहाँ पर ब्रदर सैमुअल दिनाकरण आए, और हमने देखा स्टेला सिस्टर को भी वहाँ पर आराधना करते हुए. तो उस आराधना को अटेंड करने के अंदर जब मैंने देखा परमेश्वर के एक बड़े भारी अभिषेक को, परमेश्वर ने मुझे छुआ और अपनी सामर्थ्य से भरा. और ब्रदर ने जब प्रचार किया, उस प्रचार के अंदर वचन की गहराइयों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया, और उस समय भी मैंने परमेश्वर के अभिषेक को एक सामर्थ्य के साथ महसूस किया अपने जीवन के अंदर. और मैं यही कहना चाहूँगा यूथ के लिए कि जितने लोगों ने यहाँ पर अटेंड किया है, परमेश्वर ने सबको छुआ, आशीष की अभिषेक किया है. और इसी रीति से इस प्रकार की यूथ मीटिंग को अटेंड करते रहिए, और परमेश्वर हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से आशीष दे. सबको जय मसीह.